खुशामदीद, खुशामदीद राजकुमार सूरजमान। मुगल महल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। खुश नसीबी हमारी कि आपके मुबारक कदम मुगल सल्तनत की सरजमीन पर पड़े। वाकई में आज आप दोनों के पुरनूर दीदार करके हमें बेहद खुशी हो रही। शुक्रिया बादशाह अकबर, आपके इस सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। काश इस खुशी के मौके पे वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता जिससे हम बेहद बेहद नफरत करते हैं। राजकुमार सूरजभान, आप अभी भी वो पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। आज भी आप बीरबल को अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। ये जिम्मेदार है बादशाह अकबर। बीरबल हमारे पिता का हत्यारा है और इसी ने ही पिछली जंग में हमारे पिता की जान ली है। तो वो एक जंग थी राजकुमार सूरजभान। उस जंग में आपके वालिद हमारी हत्या करने वाले थे, हमारा कत्ल करने वाले थे। अगर ऐन वक्त पर बीरबल बीच में नहीं आते तो आज मुगल सल्तनत हमारी मौत का मातम मना रही होती। बीरबल ने जो कुछ भी किया हमारी जान बचाने के लिए किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं बादशाह अकबर, जिस तलवार से हमारे पिता की जान ली थी वो बीरबल की थी। हालात का हवाला देने से बादशाह अकबर सच्चाई बदल नहीं सकते। इस इंसान की वजह से हम और हमारी बहन अनाथ हो गए। हमारे सर से हमारे पिता का साया उठ गया। आपके पिताजी की मौत का अफसोस है हमें राजकुमार सूरजमान। हमें इस बात का भी अफसोस है कि हमारी वजह से आपके सर से आपके पिताजी का साया हट गया। पर इतिहास गवाह है कि बीरबल की तलवार जब भी उठी है वो किसी की जान बचाने के लिए उठी है, कभी किसी की जान लेने के लिए नहीं। वचन में भी सवाल जा पना की जान का था। हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया और इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं। क्षमा कीजिए भैया, लेकिन बीरबल ठीक कह रहे हैं। वो हमारे भी पिता थे, लेकिन हमने बीरबल को कभी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं माना। बीरबल ने वही किया जो उन्हें करना था। उन्होंने सिर्फ अपने राजा की जान बचाई, उन्होंने केवल अपना धर्म निभाया। लेकिन पाप तो हमारा मारा गया कंचन, मौत तो हमारे पिता की हुई है। और पिता के खोने का दर्द तो हम दोनों ने सहा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने राजकुमार सूरजमान। खुदा आपके वालिद साहब को जन्नत अता फरमाए, ऐसी दुआ है हमारी। सच्चा पना किसी सरपरस्त, किसी अजीज, किसी अपने का सरमाया जब सर पर से उठ जाता है, ऐसा शदीद दर्द होता है सीने में जो कि सिर्फ वही समझ पाता है जो इससे गुजर चुका है। राजकुमार सूरजभान, आपका दर्द हम समझते हैं, लेकिन जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इस नफरत को भुलाकर एक नई शुरुआत जरूर की जा सकती है। और इस जंग के बाद हमारे और आपके बीच तो संधि भी हो चुकी है। दोनों राज्य एक हो चुके हैं, हम दोनों दोस्त हो चुके हैं। दोस्त है बादशाह अकबर, आप ही नहीं, आपके राज्य का, इस पूरे दरबार का, आपके इस मुगल सल्तनत का हर आदमी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, यहाँ तक कि पशु पक्षी और जानवर, सारे के सारे हमारे दोस्त हैं। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, बीरबल को। जब तक हम दोनों में से एक जिंदा है, ये नफरत भी जिंदा रहेगी हमेशा के लिए। और ये नफरत हम दोनों में से एक के मौत के साथ ही खत्म हो सकती है। देखिए राजकुमार सूरजभान, ये बदमजे की बातों को छोड़िए और हमें जरा ये बताइए कि हमारे मुगल महल में आपका आना कैसे हुआ। आप तो जानते हैं बादशाह अकबर, कभी बचपन से ही पहलवानी का कितना बड़ा शौक रहा है। अब तक तो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पहलवानों को हम धूल चटा चुके हैं। कल हसनपुर में एक अंतरराष्ट्रीय दंगल में हिस्सा लिया था,
वहां पर भी अपने कुश्ती कौशल के जलवे दिखाकर हमने जीत हासिल कर ली। अभी इस देश के नहीं तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर पहलवान बस हम ही हैं। और सच बात तो यह है कि पूरी इस दुनिया में हम जैसा ताकतवर पहलवान आज की तिथि में कोई है भी नहीं। ये जानकर बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा जानकर, लेकिन अभी भी आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि हमारे मुगल महल में आना कैसे हुआ राजकुमार सूरजभान। वो हम बताते हैं जहांपनाह। दरअसल भैया उसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से लौट रहे थे और रास्ते में आपकी सल्तनत पड़ गई। हमने आपके महल की खूबसूरती और नक्काशी के बारे में बहुत सुना था, तो हमने इनसे विनती की कि क्यों ना हम आपका महल देख लें। तो हम वो देखने आ गए, अगर आपको एतराज न हो तो। अरे कमाल कर रही हैं आप, हमें क्या एतराज हो सकता है, हम अपना महल आपको जरूर दिखाएंगे राजा दरबार। जी जहां अपना चलिए। अरे चलिए क्या, आपसे नहीं कह रहे महल दिखाने के लिए, आप जरा जाके राज नर्तकी उर्वशी को बुला कर लाइए, वो इन्हें मैं ये लीजिए। अभी अभी राज नर्त की उर्वशी का नाम लिया और आप हाजिर हो गई। अरे आपको तो कछुए की उम्र लग जाए, 200 साल जीता है कछुआ, कम मत समझिए 200 साल, धीरे धीरे चलता है, जीता लंबा है। लेकिन चलिए आप जरा जहां पनाह और शाही मेहमानों की नजर राज नर्त की उर्वशी अपना सलाम छोड़ती है। छोड़ती है जी, इनका ऐसा ही है, ये सलाम छोड़ती हैं, आपको सलाम पकड़ना पड़ेगा। सलाम, आप बहुत खूबसूरत है राज नर्तकी उर्वशी। छोड़िए। नहीं, छोड़ नहीं रहे हम, सच कह रहे हैं, हमने आज तक इतनी खूबसूरत राज नर्तकी भी नहीं देखी। वही तो हम कह रहे हैं, हमारी तारीफ करना छोड़िए, कहां आप और कहां हम। वैसे तारीफ के लिए शुक्रिया राजकुमारी कंचन, आइए हम आपको महल दिखाएं। ओहो, आपको पहले से पता है कि हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो क्या है ना जहांपनाह, आते आते हमने राजकुमारी कंचन की तमन्ना के बारे में सुन लिया था कि उन्हें ये महल देखना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे कमाल कर रही हैं आप, जाइए दिखाइए राजकुमारी को हमारा पूरा का पूरा महल दिखाइए, सिर्फ वो महल की पीछे वाली दीवार मत दिखाइएगा, वहां पे हमने कई लोगों को चुनवा रखा है ना, कहीं अचानक से एक हाथ बाहर आ गया तो डर जाएगी बच्ची। ठीक है आइए। और आप सूरज भान जी, आप हमारे साथ आइए, आप राजकुमार हम शहजादे, आप खून हम शाही खून, आइए हम दोनों मिलकर कुछ खून खराबा करते हैं। क्या मतलब शोर शराबा करते हैं, आइए। सलीम भाई साहब, अब आप मुझे भी साथ चलने के लिए कहोगे ना? ठीक है, तू भी अपनी गलत फहमी के साथ आजा छोटे। आइए सूरज भान जी, आप हमारी बैसाखी पकड़ कर आइए, आइए ले लीजिए। चल वासु। अरे ये कोई अंधे थोड़ी ना है, बैसा की पकड़ के क्यों जा रहे हैं? तक लिया, आपको दिखाना है राजकुमारी को महल। क्या भाग क्यों रहे हैं? ये देखिए, और ये बचता भी है। आइए आइए, और ये रहा हमारा शाही बगीचा, कैसा लगा आपको? वाकई जैसा सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत और अतुल्य है मुगल महल राज नर्त की उर्वशी। छोड़िए। क्या छोड़े? अरे ये बार बार हमारे नाम के आगे राज नर्त की लगाना छोड़िए, उर्वशी बुलाइए हमें। जैसा तुम कहो, वैसे भी जिस तरह भैया तुम्हें देख रहे थे, हमें लग रहा है कुछ दिनों बाद कुछ और ही बुलाना पड़ेगा। छोड़िए, हम समझ गए आपका इशारा क्या है, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि कौन हमें किस नजर से देखता है, मायने ये रखता है कि हम किसे किस नजर से देखते हैं। ओह,
लगता है राज नर्तकी किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। कौन है वो? कोई नहीं है। अब चलिए हम आपको बाकी का महल दिखाते हैं। चलिए आइए। जरा ठहरिए। कितने आकर्षक हैं ये बीरबल, कितने मनमोहक हैं, कितना तेज है इनकी आंखों में। एक बार कोई देख ले तो बस देखता ही जाए। शादी हो गई? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई अब तक। उर्वशी, हम बीरबल की बात कर रहे हैं। शादी हो गई उनकी? नहीं, और कभी होगी भी नहीं। हाँ छोड़िए, हम आपको बाकी का महल दिखाते हैं। चलिए चलिए। आई आई आई। वैसे ये बैसा किस लिए? शहजाद सलीम, क्या हुआ आपको? मुझे पता है, आज सुबह सलीम भाई सा लाल कपड़े पहनकर पहुंच गए सांड को चारा खिलाने के लिए, और सांड बुरा मान गया। 2 घंटे तक हवा में उछाल उछाल कर खेला इनके साथ, तभी तो मुंह सूज गया, टांग टूट गई और पैसा की पर आ गए। चुप कर बेवकूफ, आज सुबह तूने उर्वशी जी के सामने भी हमारी ऐसे ही बेइज्जती की थी। हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। शाही खून है हम। शांत हो जा, डर जा हमसे वरना। उर्वशी, किसका नाम लिया आपने? दिल में उतर गए आपकी ये उर्वशी। सुभान अल्लाह, वाकई में क्या हुस्न पाया है। है ना? अरे हमारी राज नर्तकी उर्वशी है ही इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, जो भी उन्हें देखे बस देखता ही रह जाए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप शहजादे सलीम? गलत नजर है इनकी मेरी उर्वशी पर। मेरी? मेरी? मतलब आपकी उर्वशी पर। मेरी भी। हाँ, और आप जो हैं कि इसके सामने उर्वशी जी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। चलो राजा बेटा, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे हम? अब बस राज नर्तकी उर्वशी की तारीफ कर रहे थे। तारीफ? हम तो कह रहे थे कि हमारी राज नर्तकी उर्वशी कितनी बेकार है, जाहिल है। वो तो हमने उसके पैरों पर तरस खाकर अपने राज दरबार में रखा है, वरना। क्या? पैर पर तरस खाकर? हाँ, मुझे पता है, पैर नकली है ना, लकड़ी का है उनका पैर। क्या बात कर रहे हो, उनकी चाल को देखकर ऐसा लगता नहीं। बाल देखकर लगता है? बाल भी? दांत देखकर लगता है? कभी दांत भी नकली? हाँ, नाक भी। क्या हुआ, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? सुना तो था कि आप दोनों बहुत मजाक पसंद लोग हैं। आज देख भी लिया, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते आप। वैसे आपने अभी जो भी कुछ कहा, अगर वो सच भी होता, फिर भी हमारे लिए आपकी राज नर्तकी उर्वशी की पसंद कम नहीं होती। क्यों शहजादे सलीम? चले किशोर जी। आसू, हम इनसे लड़ेंगे। अरे क्या सलीम भाई साहब, आप जैसे 3 निकल जाएंगे इनमें से। सच? आहो आओ। उर्वशी, ये आपके लिए। कुछ किया? हाँ, हम आज सुबह सवेरे जल्दी उठे, उसके बाद हमने अपने तीरंदाजों को तीरंदाजी सिखाई। क्या दक्ष हो गए हमारे तीरंदाज। हम शादी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, शादी नहीं की, सुबह से वक्त ही नहीं मिला। हम अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आप कुछ करने वाले थे ना, कब करेंगे? हमने आपके पिताजी से बात तो की, उनसे कहा कि सुमित कुमार से आपकी शादी ना करवाए। हाँ, तो
और वो सुमित कुमार से हमारी शादी नहीं करवा रहे क्योंकि वो तो हमारी शादी पवन कुमार से करवा रहे। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो हमारी शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। आप देख रही हैं कि कितना काम है हमें, कितने व्यस्त हैं हम, कितनी जिम्मेदारियां हैं हमारे सर पे। कान खोल कर सुनिए, हम आपको 2 दिन देते हैं, अगर 2 दिनों में आपने बात नहीं की ना तो क्या छोड़िए। अब क्या छोड़े, बेवकूफों वाले सवाल पूछना छोड़िए, आप अच्छी तरह से जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। राजकुमार सूरजभान और राजकुमारी कंचन, बड़ी खुशी है कि आप हमारे मुगल महल में तशरीफ लेकर आए। यही जज्बा काश आपके मरहूम अब्बा हुजूर में होता तो वो भी आज हमारे बीच यहां मौजूद होते। खैर, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। जल्द से जल्द तो इन्हें आना ही होगा जिले इलाही, इतने मुख्तसर वक्त में हम तो इन्हें ठीक से मिल भी नहीं पाए। वैसे भी हम इनके बाकमाल जिस्मानी कुवत और सेहत के कुछ नुस्खे लेना चाहते थे। बड़े बड़े सुरमार योद्धा हमारे पैर धोकर हमारा शिष्य बनना चाहते हैं। हम हैं इतने बेमिसाल और लाजवाब कि हर कोई हमारे शरण में आना चाहता है, हमें अपना गुरु बनाना चाहता है। सच बात तो यह है कि कुश्ती के अखाड़े के सबसे बड़े बादशाह सिर्फ हम है, राजकुमार सूरजभान। हम जैसा मर्द, हम जैसा योद्धा और हम जैसा पहलवान ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। आपको पता है राजकुमार सूरजभान, आप में और आपके मरहूम अब्बा हुजूर में एक बुनियादी फर्क जो है वो क्या है? उन्होंने सब कुछ किया लेकिन कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर नहीं किया। और मुआफी चाहेंगे लेकिन आपके लफ्जों से, आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा, कुछ जरूरत से ज्यादा घमंड और गुरूर और गुमान करते हैं। तो आपको ये लगता है कि हम इस गलतफहमी में हैं कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े पहलवान हैं? सबसे बड़ा तो वो ऊपर वाला है सूरजभान, वो खुदा, उसके मुकाबले कोई नहीं, हम भी नहीं, आप भी नहीं। अपने आप को उस खुदा के बराबर खड़ा करना छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे बादशाह अकबर, सब कुछ छोड़ देंगे, ये गुमान, ये गुरूर, ये स्वाभिमान, और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। कैसी शर्त? अगर आपको ये लगता है तो हम राजकुमार सूरजभान आपको, आपके इस पूरी दरबार को और आपके इस पूरे मुगल सल्तनत को चुनौती देते हैं कि आए और हमसे मुकाबला करें। आपके इस पूरी दरबार को और आपके इस पूरे मुगल सल्तनत को चुनौती देते हैं कि आए और हमसे मुकाबला करें। कुश्ती के मुकाबले में हमें हरा कर दिखाए, अगर हम हारे तो हमारा आधा राज्य आपका, और अगर हम जीते तो आपकी राजनीतिक उर्वशी हमारी हुई। ये आप क्या कह रहे हैं भैया, जरा होश में आइए। अंचन, आप बीच में ना बोले तो अच्छा होगा, ये मर्दों की बात हो रही है। तो कहिए बादशाह अकबर, है कोई मायका लाल, है कोई योद्धा, है कोई मर्द इस दरबार में जो हमसे मुकाबला करे और हमें हरा के दिखाए? है कोई? हाँ है सूरजभान, है। आपका मुकाबला होगा और जरूर होगा। आपने मुगल दरबार में खड़े होकर मुगल सल्तनत की आन को ललकारा है, मुगल सल्तनत की आबरू को चुनौती दी है। यह मुकाबला होगा और जरूर होगा, और कल ही होगा, और मुगल दरबार की तरफ से इस मुकाबले में आपके साथ हिस्सा लेंगे मुल्ला दो प्याजा।
अरे जहांपनाह हाँ मुल्ला जी, आप मुगल दरबार में अगर इनके खिलाफ खड़ा होने की कोई ताकत रखता है तो वो आप हैं, और यकीनन जीत आप ही की होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं 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 जहां ना, एतराज कैसा, आपकी आवाज तो हमारे लिए खुदा की आवाज है। हम करेंगे मुकाबला आपसे। शाबाश मुल्ला जी, शाबाश, हमें आपसे यही उम्मीद थी। तो अब ये मुकाबला होगा और मुगल महल में होगा कल, और हम आपसे वायदा करते हैं कि अगर आप ये मुकाबला जीत गए तो आपकी हर शर्त पूरी की जाएगी। मुकाबले की तैयारियां की जाए। We'll be right back.